गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पूजा साहब ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज हम इवनिंग का मतलब रात का डिनर बनाएंगे। आप लोग देखिए मेरा वीडियो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए। देखिए मौसम कितना अच्छा किया हुआ है, एकदम बारिश टाइप में। अभी शाम है, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है धीमी धीमी। और अभी हम जा रहे हैं डिनर बनाने के लिए। रात का डिनर थोड़ा जल्दी बना लेते हैं शाम को, क्योंकि बनाते बनाते टाइम हो जाता है सारा। फिर मतलब डिनर बनाएंगे, उसी के लिए प्याज व्याज काट ले रहे हैं। सारा प्याज पहले हम काट कर कर रख लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं सारा काम, क्योंकि पहले प्याज है, उसके बाद लहसुन छुड़ाना आदि। तो सो टाइम लगता है ना नॉनवेज बनाने में ना, तो सबसे पहले काट के रख लेते हैं। अभी शाम लगभग 6 बज रहा है, शाम हो गया है, मतलब बारिश का टाइम है, थोड़ा अंधेरा जल्दी भी हो जाता है। धीरे करके बना ले रहे हैं, क्योंकि रोटी बनाना, चिकन बनाना, फिर बेटी का कुछ खाना खिलाना, यही सब मतलब अच्छा टाइम हो जाता है ये सब करते करते। इसलिए पहले टाइम में भी है तो प्याज व्याज छिल के रख ले रहे हैं। प्याज व्याज छिला रहेगा ना तो जल्दी बनेगा। प्याज मेरा सारा कट गया है, अब हम जा रहे हैं किचन में, थोड़ा कुछ कुछ काम भी कर लेते हैं। चिकन बनाएंगे, प्याज वाज थोड़ा भुनने में टाइम लगता है ना, तो इसलिए पहले हम सारा निकाल लेते हैं। इसमें हम दोपहर नाश्ता में भुंजिया बनाए थे, भुंजिया और रोटी बनाए, तो भाई थोड़ा सा बच गया तो खाली कर ले रहे पहले, फिर इसी में बना लेंगे। देखिए प्याज काटने के बाद तुरंत अंधेला हो जाता है ठंड का मौसम में, मतलब ठंड नहीं, बारिश का मौसम में मतलब जल्दी शाम हो जाता है। अभी प्याज काटते उस समय लाइट था, और अभी देखिए पूरा अंधेला हो गया। जल्दी जल्दी सारा चीज़ कर लेते, थोड़ा सा बेटी मेरी भी खेल रही है इसीलिए परेशान, थोड़ा कम करती है ना। बच्चा जब खेलता है या सोया तभी काम हो पाता अच्छे से, वरना जब देखिए मेरा सारा प्याज कट गया। और हम कढ़ाई में तेल अब डाल लेते हैं, गैस चला लिए हैं। अब पहले उसको हम इधर, खाना भी बन जाएगा मेरा और मेरी बेटी भी खेल लेगी। इससे क्या होता है अभी 7-8 बजे तक हम लोग बना खा लेते हैं, फिर बर्तन धोना सोना। रात तो 11 बज ही जाता है, 11-12, मतलब नींद भी थोड़ा लेट से आता है, मोबाइल वोबाइल के चक्कर में देखने ऐसे ऐसे लेट हो जाता है थोड़ा। इसमें सरसों का तेल, चिकन हम सरसों का तेल से बनाते, खाना जो भी बनाइए आप लोग सरसों का तेल से, रिफाइन ऑयल से भी बहुत कोई खाना बनाता, लेकिन देखिए रिफाइन ऑयल तो खाना मना किया जाता है, ये सरसों तेल मेरा घर का सरसों तेल है, हम लोग का घर पे मिल है ना, उसी से हम लोग खुद सरसों होता ना कि खुद लेते किसान से, खुद मतलब पीस के हम लोग तेल करते, शुद्ध हो गया। ऐसे डॉक्टर भी ऐसे ही बोला, शुद्ध घी खाइए या शुद्ध सरसों तेल खाइए, बस दो ही चीज़ खाने बोलता है, रिफाइन नहीं। लेकिन अभी कुछ कुछ ज़रूरत में थोड़ा रिफाइन पड़ता ही है, कुछ कुछ छानना है कचौड़ी उचौड़ी तो उसमें फिर रिफाइन का यूज होता है। अभी ये लहसुन भी हम छुड़ा ले रहे हैं, लहसुन कोई टाइट बहुत रहता है पहले, इसलिए इसको इधर इससे मारते तो तुरंत छूट जाता है। लहसुन छूट जाएगा, इधर कढ़ाई में प्याज व्याज भुने तब तो मसाला भी हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर चिकन मेरा बन जाएगा, फिर रोटी भी फिर बनाना है, मतलब खाते होते मेरा 8 बज जाता है। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे व्यूज व्यूज भी नहीं जाता, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ता ना तब वीडियो बनाने का भी मन करता है, वरना ऐसे फिर नहीं बनाने का मन करता। जल्दी जल्दी टाइम लग जाता लहसुन छुड़ाना, प्याज चिकन बनाने में उतना मेहनत नहीं, पर ये सब थोड़ा काटने में। ये सारा प्याज हम तेल में डाल दे रहे हैं, तेज़पत्ता का ये होता है ना, पहले तेज़पत्ता डाल दिए, गोटा गरम मसाला मतलब था कहीं रखा हुआ है डब्बा में, मिल नहीं रहा था तो फिर इसको छोड़ दिए हैं। कभी कभी सामान आता है छोटा छोटा चीज़ कोई डब्बा में रख दिए, फिर उस समय नहीं मिला, फिर बाद में दिखा तो निकाल के रख देंगे। लहसुन छुड़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए धीरे धीरे उसको कर रहे,
मेरा प्याज भी भुन जाएगा, इधर लहसुन भी, और अभी अदरक अभी ख़त्म हो गया, अभी जा रहे हैं नीचे बोलने के लिए। ये नीचे पे सब्जी हम लोग का मिल जाता है, कुछ भी ज़रूरत है तो तुरंत ले आते हैं नीचे से ले जाके। अभी सारा ये छुड़ा के फिर अभी बोल दिए हैं, आदी और थोड़ा हरा मिर्च भी ले आएंगे। देखिए एक साथ कितना चीज़ करना पड़ता है, इधर प्याज भूनना, इधर मसाला, फिर इधर चिकन धोना। मतलब इस तरह क्या होता है ना कि 1 घंटा के अंदर चिकन अच्छे से मतलब सारा बन जाता है 1 घंटे में, सब चीज़ मतलब होता है ना, प्याज व्याज काटना उठना सब मतलब लेके 1 घंटा में बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा कि पहले प्याज काटो फिर लहसुन छोड़ो, यही सब काटने छाटने में आधा घंटा हो जाता है, इसलिए हम साथ में सब चीज़ करते हैं। ठीक है गाइस, बोल रहे मेरा वीडियो पे आप लोग बने रहिए और आगे देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए मेरे बेटी है, ये जा रहे हैं, आदि नहीं बोले थे लाना है, वही जा रहे लाने के लिए। देखिए मेरा तब तक प्याज अभी हो रहा है, प्याज भूनने में थोड़ा भी टाइम लगता है, धीरे धीरे कम आँच में कर दिए हैं, ढक के अपने से अच्छे से हो जाएगा। इधर मिक्सी भी निकाल के रख लिए हैं मसाला भूनने के लिए। मसाला मेरा तैयार हो जाएगा ना तो चिकन भी तुरंत बन जाएगा। वो आधी ख़त्म हो गया था ना इसलिए मिक्सी में पहले निकाल लिए थे पीसने के लिए। मसाला ढूंढ रहे हैं कुछ, मतलब इधर पता नहीं डब्बा था छोटा सा वो गिर गया, पता नहीं चूहा कोई, हवा भी आज तेज़ चल रहा था, लगता है वैसे ही गिर गया होगा। गोलकी जीरा सब पहले मसाला कर लेते हैं हम, अब ताज़ा मसाला पीस के देते हैं, पाउडर नहीं बना के रखते हैं, इसीलिए देखिए गोलकी और जीरा है इसमें। ताज़ा पीसने से क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए इतना लहसुन भी इसमें है, इसको धो के डाल देते हैं। फिर चिकन भी हो जाएगा मेरा, फिर अभी आटा भी सानना है। आटा पहले से सान के रखने से क्या होता है आटा अच्छे से फूल जाता है। अब मेरा आ गया है लहसुन और आदि, आदि को धो के अच्छे से पहले कूट ले ले रहे, कूटने से क्या होता है खड़ा नहीं रहता मिक्सी में, अच्छे से ये हो जाता है मतलब पिसा जाता होता है ना, ऐसे ही छोड़ देते ना तो फिर खड़ा खड़ा रह जाता है। ये बहुत काम का चीज़ है, हर समय ज़रूरत पड़ जाता है, हमको तो बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए आधी है ना, अब इसको टूट जाएगा ऐसे करने से ना, फिर जल्दी ये मतलब पीस जाता है, वरना ऐसे खड़ा रह जाता है। थोड़ा सा पानी लेके मसाले को पीस लेंगे हम। यहाँ पे पार्टी लोड़ी सब नहीं लाए, उसमें मसाला पीसने से ना और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम अपने घर में पहले कभी पार्टी में पीसते होता, मिक्सी निकालो धो रखो उतना ना उतना अच्छे से पहले कर लेते, ज़्यादा मसाला पीसने का रहता तो मिक्सी में यूज़ करते, थोड़ा कम है सब्जी उब्जी के लिए ना हम लोग, जो सिलपट्टी रहता है ना, सिलपट जो बोला जाता है हम लोग तो लोड़ी पार्टी बोलते हैं, वो भी बोला जाता है, उसमें भी हम लोग मतलब पीसते थे। मेरी मम्मी बोलती थी ना कि उसी में पीसने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता, तो वही नहीं सामने रखा हुआ रहता था तुरंत मतलब पीस लेते थे। ज़्यादा पीसना फिर हम मिक्सी में ही पीसते थे, जैसे ज़्यादा मीट उट बना है तो ज़्यादा 1-2 केजी बना तो उसमें आधी लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना, तो ऐसे में फिर पार्टी में ही ये मतलब मिक्सी में ही पीसते थे। अब देखिए ये प्याज मेरा अच्छे से भून गया है, थोड़ा सा और होगा, अभी ज़्यादा भून लेंगे ना तो फिर ये जलने लगेगा, क्योंकि चिकन विकन भी भून जाता है तो उसमें भी टाइम लगता है। देखिए ये चिकन धो रहे, चिकन ना हमेशा हल्दी पानी से धोइएगा, इससे जितना भी ये रहता है ना बैक्टीरिया निकल जाता है। और सारा मतलब अच्छे से हो जाता है। मेरा इधर मसाला भी डाल दिए हैं, इधर मेरी बेटी भी आ गई है, इसको भी देख ले रहते हैं ना, देखिए आ गई, सिर्फ पानी पीती है, इसको बहुत प्यास लगता है।
अब ये देखिए गाइस, मेरा चिकन मतलब अभी तैयार हो रहा है, मसाला वसाला भी तैयार कर रहे हैं। ये मसाला अच्छे से हम भून लेंगे ना, उसके बाद फिर चिकन डाल देंगे। चिकन अभी मेरा धुल रहा है और ये मेरे हस्बैंड धो दे रहे हैं। ये अच्छे से धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमको उतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाता मेरे से। हमको थोड़ा सा ना कभी धोए नहीं है ना, तो मन नहीं करता धोने का, इसलिए हम फिर नहीं धोते हैं। जब भी धोते तो मेरे हस्बैंड ही धो देते हैं। रात हो गया, थोड़ा लाइट भी कम पड़ रहा है, लाइट है उल्टा साइड लाइट है, इसलिए और भी कम पड़ रहा है। जल्दी बना लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, अभी 7 ही बज रहा है। जल्दी से बन जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग खा लेंगे। रात ज़्यादा लेट हो जाता है ना, हेवी खाना खाते तो फिर मन अच्छा नहीं लगता है। रोटी चिकन खाएंगे तो हेवी हो जाता है थोड़ा खाना, इसलिए हम लोग पहले ही मतलब खा लेते हैं। और फिर देखिए, खाने के बाद सारा बर्तन वर्तन धोना, किचन साफ करना। नॉनवेज बनता तो थोड़ा सा ये सब ज़्यादा गंदा हो जाता है। घर पे रहते तो हम लोग बाहर ही बना लेते हैं, मतलब घर में किचन में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता, सारा चीज़ अलग अलग कीजिए, परेशानी थोड़ा बढ़ जाता बाहर में। यहाँ बेटी के लिए हम अंडा भी बॉयल कर दिए थे, वो पहले उसको खिला लेंगे, क्योंकि मेरा चिकन तैयार हो चुका है। हम पूरा नहीं दिखाए हैं आप लोग को, ये देखिए इसका दो है, छील उलकर खिला लेंगे। देखिए मेरा चिकन बन गया है, ये सावा के जी चिकन रहता है, देखने में कम लग रहा है लेकिन बहुत हम लोग के लिए हो जाता है, क्योंकि दो ही खाना ना, ज़्यादा कोई तो कोई खाएगा नहीं, इसलिए ओवर हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। इसमें पहले हम निकाल लेते हैं, ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। मेरे हस्बैंड को पहले हम दे आते हैं, वो बोले थे हमको कि निकाल दीजिएगा मेरा पहले, तो इसलिए उनको पहले हम निकाल के दे ले रहे हैं, फिर रोटी बनाएंगे। थोड़ा भी थोड़ा सा रोटी बनाना है, पराठा भी है, वो पराठा मेरे हस्बैंड बोले हम खाएंगे इसके साथ। जा रहे, पहले गैस ऑन कर लेते हैं, तावा को अच्छे से धो लिए। जब भी तावा यूज़ करते हैं ना, धो के यूज़ करते हैं। आप लोग भी धो के यूज़ कीजिएगा, पता नहीं ऐसे रखा हुआ रहता तो कोई ऐसे ही यूज कर लेता, नहीं यूज कीजिएगा, क्योंकि छिपकली उपकली का डर रहता है। चकला बेलना को ना थोड़ा सा ढक के रखते हैं, इसलिए उसको फिर नहीं धोते हैं। तावा को धोने से क्या होता है, तुरंत सूख जा रहा है। देखिए हम थोड़ा सा आटा सान लिए हैं, आटा पहले सान के रखने से क्या होता, आटा बढ़िया से ना फूल जाता है, और उसके बाद ये अच्छे से मतलब फिर बन जाता है। अब हम गैस ऑन कर लिए हैं, अब जा रहे जल्दी जल्दी रोटी बना लेंगे। बेटी को भी खिला दिए हैं खाना, अंडा मतलब बॉयल किया था वही भी खिलाएं। अब रोटी थोड़ा देर के बाद, रोटी खाएगी तो ठीक है ना, फिर थोड़ा सा दूध पी के फिर सो जाएगी, फिर नहीं खाएगी दूध रोटी, इसको नहीं अच्छा लगता, नहीं खाती है। छोटा बच्चा है ना, एक डेढ़ साल लगभग वो भी इसका हो रहा है, तो जितना मन खाता बच्चा उतना ही खाता है। जा रहे जल्दी जल्दी, रोटी बन जाएगा मेरा तो अभी काम खत्म। देखिए अभी 6 बजे स्टार्ट किया था, अभी 7:30 लगभग बच गया, क्योंकि थोड़ा सा बेटी में भी टाइम देना पड़ा। चिकन और रोटी हम 1 से 1.25 घंटा में बना लेते हैं दोनों, मतलब सारा चीज़ लेके, प्याज काटना छाटना ये भी होता है, 1.25 घंटा में मेरा बन जाता है। लेकिन अभी 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बेटी को खिलाने लगे ना, तो बच्चे को खिलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बैठ के उसको खिलाइए स्थिर से, इसलिए जल्दी शुरू करते हैं। अभी फिर खाएंगे, खाते वक्त 8 बज जाएगा, खाते खाते 8:30 बज जाएगा। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन 9:30 में लगभग हम धोते हैं रात में 9:30, फिर पूरा किचन साफ करने 10 बजे, रात 10 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है सारा। 10 बजे के बाद फिर थोड़ा सा मोबाइल देखते, थोड़ा क्या मतलब जब तक नींद नहीं आता तब तक मोबाइल देखते, फिर सो जाते हैं। यही मेरा रात का रूटीन रहता है डेली का। फिर बेटी को तेल उल भी लगाना पड़ता, तेल मालिश करना पड़ता है उसको, बच्चा रखने अकेले रहने पर सारा चीज़ खुद ना करना पड़ता है, घर पे रहे तो दादी माँ जो भी रहती कर देती है, यहाँ पे सारा चीज़ खुद से कीजिए। अभी हम कुछ सूखा रोटी बना रहे हैं, कुछ पराठा भी बनाएंगे, ज़्यादा रोटी नहीं, 8-9 रोटी मेरा बनेगा,
हो जाएगा, चिकन भी उतना है ना, वो भी खाना तो फिर इतना रोटी हो जाएगा। दो तीन हम खाएंगे, चार पांच फिर मेरे हस्बैंड खाएंगे, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, ये बन जाए मेरा। रोटी बनाने में थोड़ा सा कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन चावल रात का टाइम था तो चावल नहीं बनाए, दोपहर में रहता तो चावल बना लेते। नहीं, नॉन वेज के साथ मेरे हस्बैंड को ना ये रोटी ही पसंद है, मटन भी बनाइए तो रोटी पहले बनाइए उनके, तो फिर चावल फिर बाद में खाएंगे। आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? देखिए मेरा रोटी बन रहा है, मैं अच्छा बन रहा, देखिए पहले से आटा मतलब सान के रखिएगा ना तो अच्छा। देखिए मेरा रोटी गोल हुआ है क्या? नहीं, हम उतना ध्यान नहीं देते, गोल तो बना ही लेते हैं लेकिन नहीं भी हुआ तो छोड़ देते हैं, थोड़ा मोड़ा चलेगा इतना क्या, पूरा गोल भी बन जाता। देखिए रोटी फुला फुला होना चाहिए बस, और बढ़िया से पका हुआ रहना चाहिए। रोटी फूल और पक जाएगा ना तो कोई भी नहीं बोलेगा कि गोल कम है ज़्यादा है, मेरा हो जाता है। ये देखिए हम अभी नेक्स्ट बार हम पराठा बना रहे हैं, हस्बैंड बोले भाई पराठा बना दीजिए, इसीलिए इनके लिए भी पराठा बना रहे हैं। ठीक है गाइस, मेरा खाना बन गया है, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए चिकन निकाल लिए हैं और ये पराठा रोटी भी। देखिए गाइस मेरा खाना कितना यम्मी बना है मेरा खाना, ये मेरे हस्बैंड के लिए खाना है, चार पराठा है, रोटी, हम तो रोटी खाएंगे। ये पसीना पसीना हो गया। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।